एजुकेशन गैलरी अ लीडिंग नेम इन कोचिंग क्लासेस अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं एडमिशन 2023 की। शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाते हुए पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहिए और नागरिकों के स्वास्थ्य को भी बनाए रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से विश्व साइकिल दिवस के नागपुर नगर निगम ने शहर के साइकिल चालकों के सहयोग से साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत साइकिल एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के साइकिल हमें देखने मिल रही है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने। नागपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाते हुए पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नागरिकों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर 3 जून 2023 को सुबह 6 बजे नागपुर नगर पालिका निगम ने शहर के साइकिल चालकों के सहयोग से साइकिल रैली का आयोजन किया है। इस रैली के संयोजन में यशवंत स्टेडियम में 2 दिवसीय नगर पालिका साइकिल एक्सपो का आयोजन किया गया। नागपुर नगर निगम के उपायुक्त सुरेश बगड़े के हाथों साइकिल एक्सपो का उद्घाटन किया गया। नगर क्रीडा अधिकारी डॉक्टर पीयूष आंबुलकर, शहर के साइकिल मेयर डॉक्टर अमित समर्थ, खेल विभाग के नियंत्रक नितिन भोले, दिलीप वाघलकर, जेडी स्पोर्ट्स फाउंडेशन जयंत दुबले समेत नगर निगम के अधिकारी और कई साइकिल प्रेमी मौजूद थे। एक्सपो के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हुए साइकिल से यात्रा करने वाले शहर के विभिन्न साइकिल चालकों का एक भित्ति चित्र लगाया गया है। ये वॉल ऑफ फेम हर आने वाले के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। इसमें वरिष्ठ साइकिल चालकों से लेकर छोटे साइकिल चालकों के साथ साथ विभिन्न जागरूकता संदेश देने के लिए साइकिल से देश भर में यात्रा करने वाले साइकिल चालकों की तस्वीरें लगाई गई थी। इसके माध्यम से नागरिकों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। एक्सपो में साइकिल रैली के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें 3000 तक रजिस्ट्रेशन दर्ज हो चुके हैं। नागपुर शहर जो है दिन ब दिन अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए हमें दिखाई दे रहा है और उसी श्रृंखला में नागपुर महानगर पालिका की ओर से साइकिल एक्सपो का भी आयोजन किया गया है। हम देखते हैं कि हर बार जो है नागपुर के पर्यावरण के दृष्टिकोण से सोचते हुए नागपुर महानगर पालिका की ओर से बहुत सारे उपक्रमों का आयोजन किया जाता है और उसी श्रृंखला में ये जो है नागपुर में साइकिल एक्सपो का आयोजन किया गया। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की साइकिल्स हमें दिखाई दे रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक साइकिल भी है, इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी है और ये जो आप साइकिल देख रहे हैं ये बहुत ही अलग ऐसी साइकिल है। ये इसमें क्या क्या खासियत है हम जानते हैं। मैम क्या बताओगे, ये जो साइकिल है इसका नाम क्या है खासतौर पर और इस किस टेक्निक से ये बनी है? स्कॉट का एक ब्रांड है जिसको आप प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा है इसका नाम। फुल कार्बन बाइक होता है ये। कार्बन बाइक में ये पूरा एक फुल कार्बन फ्रेम होता है जो वन पीस में बनाया जाता है। इसका जो गियर जो होता है ये डिजिटल होता है। ये फ्रंट गियर, रियर गियर फुल। ये इसका ब्रेकिंग आपको हाइड्रोलिक होता है जो नॉर्मल ब्रेक से बेटर होता है ये। प्लस इसका स्पीड आपको किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो पर घंटे में आप 40 से 50 किलोमीटर आराम से चला सकते हैं इसको। नागपुर में ये जो साइकिल है सिर्फ नरेश चंद्र में था ये स्कॉट का, और ये साइकिल जो है अमित समर सर का है। ये फुल कार्बन फ्रेम और उनका एक इसका 10 लाख रुपीज़ है। इसका साथ सेकंड ऑप्शन मॉडल ये वाला है, इसको स्कॉट का एक फॉइल करके बोलते हैं। स्कॉट में एक फॉइल करके जो एक प्लाज्मा से नीचे एक जो आता है फॉइल करके आता है, जिसमें आपको इसमें भी हाइड्रोलिक गियर होते हैं, डिजिटल जो गियर होते हैं और ब्रेकिंग जो होता है इसका हाइड्रोलिक ब्रेकिंग होता है। इसका जो गियर सिस्टम जो होता है ये फॉइल में 105 करके आता है, जिसमें DI2 करके डिजिटल गियर होता है। फ्रंट में डिजिटल होता है, रियर में आपको डिजिटल होता है, जिसमें 105 का एक पूरा ग्रुप सेट होता है। शिमानो एक गियर जो होता है उसमें ग्रुप सेट होता है, शिमानो का गियर बनाने वाली जो कंपनी हो पूरा एक सेट करता है कि आप स्कॉट में जो ब्रांड जो है उसमें वन कंपोनेंट्स वन ब्रांड में चलता है। इसका 5 लाख रुपीज। ये दूसरा स्टॉल है एलेंटर, ये जो नागपुर का स्टार्टअप है हम देख पा रहे हैं। यहाँ भी बहुत ही अलग तरीके के बाइसिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो इलेक्ट्रिक है। हम जानते हैं कि इसमें क्या खासियत है ये एलेंटर की, जो ये दिखाई दे रही है हमें बाइसिकल, इसमें चाबी भी लगी है, क्या बताओ? तो बेसिकली आपको जैसे मैम ने बताया तो ये एलेंटर इलेक्ट्रिक हम इलेक्ट्रिक साइकिल्स में डील करते हैं। एलेंटर इलेक्ट्रिक नागपुर बेस्ड स्टार्टअप है, तो हमारा कंसेप्ट ये है कि टियर 2 सिटी नागपुर सिटी है और वैसे भी इंडिया में और भी सिटी है, तो सिटी को
ग्रीन सिटी का, जैसे आप नेदरलैंड में देखे वहाँ साइकिलिंग से लोग कमिट करते आते जाते हैं, तो जैसे आपको आज पता है कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल चुका है और लोगों का जो फिटनेस है हेल्थ के बारे में लोग अवेयर, जैसे कोविड के बाद काफ़ी लोग अभी अवेयर हो गए, तो एक जो है कि सस्टेनेबिलिटी मॉडल में कि लोगों के लिए सस्टेनेबल एफर्ट हो कुछ हो, तो उसके लिए हम एलेंट इलेक्ट्रिक वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिक साइकिल्स में, कि ये आपके आने जाने के हिसाब से कन्वीनियंट रहेगा, पेट्रोल कंजम्पशन नहीं होता है और साइकिलिंग है तो आपका हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है और थर्ड ये एनवायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इलेक्ट्रिक साइकिल में बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे एक पीछे मोटर लगा हुआ है और यहाँ पे अंदर बैटरी अंदर इसके इनबिल्टी है, तो मेन जब जब आप मैनुअल जैसा भी आप करके साइकिल जैसा चला सकते हैं, जैसे मैं इसको भी ऑन करता हूँ यहाँ तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सिस्टम एक्टिवेट है, तो जस्ट मैं इसको रेज करता हूँ तो सीधा व्हील जैसे अपना व्हीकल चलता है वैसे सीधा अपना डायरेक्ट व्हीकल जैसा काम कर रहा है ये इलेक्ट्रिक साइकिल। तो इसमें आप ड्यूल पर्पज़ है, एक हाई एक तरह का हाइब्रिड है अपना गाड़ी और साइकिल का, तो आपके दोनों ही काम इसमें हो जाते हैं अच्छे से। वैसे प्राइजेस हमारा स्टार्टिंग वेरियंट 28,000 से है, बाकी इसमें डिफरेंस मॉडल्स आते हैं जैसे आपको अपडेशन कुछ कराने हैं और अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ किट वगैरह, तो उसके हिसाब से बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से प्राइस एनहेंस होता है। बाकी हमारे पास कस्टमाइजेशन का भी फीचर है, बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि ये कलर में चाहिए, ये साइज में चाहिए, या उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन लिखा है कि स्पेसिफिकेशन में हमें चाहिए, तो हम कस्टमाइज भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं बना के। ये एक्सपो अभी एक दो दिन का है, आज फर्स्ट डे कल सेकेंड डे ऐसा है। मैं उज्ज्वला सरडे क्रीडा निरीक्षक या पदावर NMC कार्यरत आहे आणि सायकल एक्सपो करता आम्हाला भरपूर प्रतिसाद मिळाला, आजचा पहिलाच दिवस होता पण भरपूर प्रतिसाद मिळाला, त्यानंतर रजिस्ट्रेशन पण 3,000 वर झाले आहे आणि टी शर्ट वाटप करता पण भरपूर प्रमाणात भरपूर संख्येने आले आहे, दुपार असून सुद्धा आज गर्दी भरपूर जास्त प्रमाणात होती, उद्याचा दिवस बाकीच आहे, अजून रजिस्ट्रेशन क्लोज झालं आहे पण 3,000 वर आले आहे। 3 जून 2023 को सुबह 6 बजे नागपूर नगर निगम मुख्यालय सिविल लाइन से शुरू होने वाली 16 किलोमीटर की साइकिल रैली में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण को नागपुर वासियों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। साइकिल एक्सपो का जो है यहाँ पर बहुत ही उत्साह के साथ उद्घाटन हो चुका है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आज जो है 3,000 से ज़्यादा एक्सपो में जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो साइकिल रैली का आयोजन किया गया है उसके लिए, और आप हमें सबको पता है कि साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे हैं और इसी के लिए ये जो है NMC की ओर से इस एक्सपो का आयोजन किया गया था, क्योंकि NMC द्वारा हर बार शहर के पर्यावरण को देखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए विविध उपक्रमों का आयोजन किया जाता है और उसी उपलक्ष्य में इस उपक्रम का आयोजन किया गया था और हम देख पा रहे हैं यहाँ की नागरिक भी है इस एक्सपो का बहुत ही अच्छा जो है लुफ्त उठा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है कई तरीके की साइकिल्स हमें दिखाई दे रही है, बाइसिकल्स दिखाई दे रही है जो इलेक्ट्रिक में भी है और नॉन इलेक्ट्रिक में भी, तो आप भी आइए, कल का दिन एक्सपो का है, एक्सपो में आकर आप भी साइकिल का मजा लीजिए और जो साइकिल रैली है 3 तारीख को उसमें भी आप सहभागी हुए। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन प्लीज कॉन्टेक्ट टू डॉक्टर माधुरी शिंदे ऑन 888-888-3436 पर।